वैसे घर में या ऑफिसेज में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उसे अगर आप खुद ही सॉल्व करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है। ये है ब्लैक एंड डेकर का 12 वोल्ट का कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर और ये 50 एक्सेसरीज के साथ में आता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ब्लैक एंड डेकर का 12 वोल्ट का कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर। ये छोटे मोटे कामों के लिए काफ़ी है। अगर आपको स्क्रू ड्राइवर की तरह इसका उपयोग करना है, ड्रिल करना है वुड में या फिर मेटल में, तो आप इस कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर का उपयोग कर सकते हैं। एमआरपी प्राइस 4,600 रुपये के आसपास लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 2,800 रुपये के आसपास। चलिए इस बॉक्स पैक को मैं खोल देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है और इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। ड्रिलिंग मशीन्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये ड्रिलिंग मशीन थोड़ा सा अलग है। ये कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन है, बैटरी पैक के साथ में आता है जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार का दिखता है ये, देखिए। अब ये दो ऑप्शंस में आता है, 12 वोल्ट्स या फिर 9.6 वोल्ट्स। वैसे ये जो 12 वोल्ट्स का कॉर्डलेस ड्रिल या स्लैश ड्राइवर है ये बेहतर ऑप्शन है, इसी के लिए जाइए। आपको यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और ये देखिए इस डब्बे के अंदर आपको ये अडाप्टर मिलता है जिससे आप इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। इस प्रकार का पिन है और ये जो अडाप्टर है इसके साथ में आपको ये डॉक दिया गया है जिसका उपयोग करके आप ये जो कॉर्डलेस ड्रिल है इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल डब्बे में जो आखिरी कंटेंट है वो है ये टूल किट बॉक्स जिसे आप इस कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर के साथ में उपयोग कर सकते हैं और इसमें आपको मिलेगा तकरीबन 50 टूल्स। ये देखिए कुछ टूल्स हिल गए हैं शिपिंग के दौरान शायद, इसलिए मैं इसे फिर से अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। ये लीजिए मैंने लगा दिया है। देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। सबसे पहले तो ये जो कॉर्डलेस ड्रिल है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, भारी है, इतना हल्का नहीं है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ब्लैक एंड डेकर जाना माना ब्रांड है। नीचे जो काला भाग देख रहे हैं ये बैटरी पैक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। स्क्रूड्राइवर बिट जो ज़्यादा करके उपयोग होता है, स्टार वाला और जो डैश वाला है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए अगर घर में या ऑफिसेज में आप खुद ही काफ़ी चीज़ों को फिक्स करते हैं तो आपको ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये बहुत ही काम में आएगा। इसे आप एक स्क्रूड्राइवर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रिगर दिया हुआ है और ये जो कॉर्डलेस ड्रिल है वुड ड्रिलिंग या फिर मेटल ड्रिलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं और इसे आप एक स्क्रूड्राइवर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें 17 टॉर्क कंट्रोल सेटिंग ऑप्शंस हैं। इस्तेमाल में काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये थोड़ा सा भारी है। अभी जो ड्रिलिंग मशीन है ये हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन नहीं है। इसका आप दीवार में होल करने के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर दीवार इतनी मजबूत नहीं है तो काम कर लेगा, लेकिन आरसीसी कंस्ट्रक्शन में ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। बैटरी पैक को निकालने के लिए यहाँ पर दो बटन्स दिए गए हैं, इसे प्रेस करते ही ये पूरा का पूरा जो बैटरी पैक है वो निकल जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं इस ड्रिलिंग मशीन के साथ में तो आप एक्स्ट्रा बैटरी पैक्स खरीद सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बैटरी पैक काफ़ी है। इसे चार्ज करने के लिए इस तरीके से डॉक पे लगाइए और जो अडाप्टर है उसे यहाँ पर प्लग इन कर दीजिए इस स्लॉट में। उसके बाद ये जो बैटरी पैक है इसे आप चार्ज कर पाएंगे, इसे प्लग इन कर दीजिए इलेक्ट्रिक सॉकेट में। फुल चार्ज पर ये जो बैटरी पैक है काफ़ी समय तक चल जाता है, आपके यूसेज पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा इस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक ले लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से काम करता है। ट्रिगर का जो बटन है ये लॉक हो गया है, यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हैं आप, इसे अगर आप सेंटर पर रखेंगे तो जो बटन है ट्रिगर का बटन वो लॉक हो जाता है। प्रेस कीजिए आप इस प्रकार से या फिर ये देखिए इस प्रकार से। इससे क्या होता है कि जो मोटर है वो या तो फिर क्लॉकवाइज घूमती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। बीच में रखेंगे तो जो ट्रिगर है लॉक हो जाता है। मैंने जो बटन है उसे लेफ्ट साइड पर दबाया हुआ है। अब देखिए ट्रिगर काम कर रहा है और देखिए किस प्रकार से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये जो बटन है इसे मैं मेरी तरफ प्रेस करता हूँ तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अगर आप चाहें तो इसे स्क्रू ड्राइवर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और जिस प्रकार से आपको इसे घुमाना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस प्रकार से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप इसे स्क्रू ड्राइवर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी मोटर काफ़ी पावरफुल है, नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क के लिए ये काफ़ी है। अब जो टूल बॉक्स है उसमें 50 एक्सेसरीज हैं। आपको वुड ड्रिल बिट्स मिलते हैं, स्पेड वुड ड्रिल बिट्स मिलते हैं, 50 mm के स्क्रू ड्राइवर बिट्स मिलते हैं, 25 mm के स्क्रू ड्राइवर बिट्स भी है,
नट ड्राइवर बिट्स हैं, मैग्नेटिक बिट होल्डर है, 50mm के डबल साइडेड ड्राइवर बिट्स हैं। इसमें आपको वो सारे नॉर्मल एक्सेसरीज मिल जाएंगे जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिए। तो इस कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर पर आपको 17 टॉर्क क्लच ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप एक्यूरेटली जो टॉर्क स्पीड है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। साथ में जो ट्रिगर है उसमें भी स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। जो बैटरी पैक है बहुत ही सिक्योर है और फुल चार्ज पर आपको बहुत ज़्यादा यूसेज टाइम मिल जाएगा, आपके यूसेज पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बहुत सारे बिट एक्सेसरीज आपको टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। इस ड्रिल की खासियत यह है कि ये कॉर्डलेस है, आप बड़ी आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। पावर सोर्स ढूंढने का कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये 12 वोल्ट्स का है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वुड में ड्रिल कर पाएंगे या फिर मेटल में ड्रिल कर पाएंगे। ये ब्लैक एंड डेकर का 12 वोल्ट्स का कॉर्डलेस ड्रिल स्लैश ड्राइवर आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीमत है तकरीबन 2,800 रुपये के आसपास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।